हे hey गए कैसे हो आप सभी लोग आई होप यहाँ पे सभी लोग बहुत ही बढ़िया रहोगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है एक अमेजिंग प्रोडक्ट जो है पोर्टेबल ट्राई स्क्रीन मॉनिटर लैपटॉप के लिए एंड स्क्रीन मतलब दो स्क्रीन ये प्रोवाइड करते हैं तीसरी स्क्रीन मॉनिटर एंड गाइज यहाँ बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने है, तो वीडियो में के साथ इसका ओवरव्यू लेंगे देखेंगे क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है एंड क्या क्या फीचर्स आपको ये पर्टिकुलर ट्र... ट्र... ट्राई स्क्रीन ओके ओके सिंपल रखते हैं अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है एंड इन है ना वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे तो हमारे साथ बने रहिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल पे तो क्या कर रहे हो यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारे चैनल पे ढेर सारा ऐसा टेक रिलेटेड कॉन्टेंट आते रहता है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं है टेक अनबॉक्सिंग एंड गाइज सबसे पहले यहाँ पे मैं बताऊंगा इसके क्विक अनबॉक्सिंग तो बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले यहाँ पे वो एक्चुअल ट्राई स्क्रीन मॉनिटर सेटअप आपको देखने मिलता है एंड इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज्यादा हैवी ये फील नहीं होता है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आपको दो पोर्टेबल स्क्रीन देखने मिलते हैं एंड इसके ऊपर का जो प्लास्टिक रैप है ना उसे हम रिमूव करते हैं

मेटैलिक बिल्ट रहेगी तो हैवी हो जाएगा यू नो लैपटॉप पे आप इजीली माउंट नहीं कर पाओगे एंड गाइज यहां पे ना सेंटर में आपको इसका एक्सटेंशन भी देखने मिलता है सो so गाइज आपके लैपटॉप के साइज के हिसाब से आप उसे एक्सटेंड कर सकते हो एंड साइड में यहाँ पे आपको दो फोल्डेबल स्क्रीन देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे जो दो डिस्प्लेज है ना इसके अंदर आपको साइड पोर्ट्स देखने मिलते हैं यू नो थर बोल्ट या फिर एच से कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे उन्होंने एक टाइप सी पोर्ट प्रोवाइड किया है डिस्प्ले के लिए एक टाइप सी पोर्ट है पार ऑन के लिए एक मिनी पोर्ट आपको देखने मिलता है एंड फाइनली यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले सेटिंग्स के बटन भी प्रोवाइड किया है सो गई सिमिलर पोर्ट्स आपको दोनों भी

सो so गाइज यहाँ पे विंडोज लैपटॉप में अगर आपके पास दो थंडल पोर्ट्स है तो आप डायरेक्टली दोनों भी डिस्प्लेस को कनेक्ट कर सकते हो या फिर एक थंडोबल पोर्ट है या फिर डिस्प्ले आउट भी पोर्ट है ना टाइप सी का उसकी हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हो एच है एच की हेल्प से भी कनेक्ट कर सकते हो सो गाइज विंडोज लैपटॉप के लिए भी ये स्क्रीन काफी हेल्पफुल है एंड गाइज अभी हम बढ़ते हैं सबसे क्रूशल एस्पेक्ट्स की तरफ जो है ये दो डिस्प्लेस की भाई इनका कॉन्फिग्रेशन क्या है आईपीएस यू नो क्या चीज है तो क्या यहाँ पे दोनों भी डिस्प्ले है ना आपको फुल एच डी रेजोल्यूशन के साथ देखने मिलते हैं सिक्सटी हर्ट्स का रिफ्रेश रेट उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पे दोनों भी डिस्प्ले आपको आईपीएस पैनल के देखने मिलते हैं सो so, यहाँ पे जो विविंग एंगल है ना दोनों भी डिस्प्लेस का बहुत ही बढ़िया निकल के आता है प्लस गाइज यहाँ पे आपको 72% टू परसेंट एंड 100% परसेंट एस आर जी बी कलर गैमेट उन्होंने प्रोवाइड किया है सो यहाँ पे जो कलर एक्यूरेसी है ना इन दोनों भी डिस्प्लेस की बहुत ही अमेजिंग निकल के आती है सो गाइज अगर आप कॉन्टेंट क्रिएटर हो मेरे जैसे एंड यहाँ पे अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या फिर फोटोशॉप वगैरह सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो ना जहाँ पे कलर एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है तो भाई ये दोनों भी डिस्प्लेस ना आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाले नेट्स ऑफ ब्राइटनेस की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो 300 हंड्रेड नेट्स की पीक ब्राइटनेस यहाँ पे आपको देखने मिलती है एंड कई यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर उन्होंने एच का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया हालांकि कई यहाँ पे हमने मैकबुक के साथ इसे कनेक्ट तो किया था एंड यूट्यूब पे ना हम ट्राई कर रहे थे एच डी आर प्ले करने का बट ये जो दो डिस्प्लेज है ना इस पर प्ले नहीं हो रहा था बट स्टिल आपको एच का ऑप्शन देखने मिलता है जिसकी हेल्प से जो यू नो ब्राइटनेस है पिक्चर क्वालिटी है ना थोड़ी बहुत इन्हास्ड आपको देखने मिलेगी एंड यहाँ पे दोनों भी पोर्टेबल स्क्रीनस है ना आपको सिक्सटीन इंस टू नाइन के एस्पेक्ट रेशियो के अंदर देखने मिलते हैं एंड यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट मैट फिनिशिंग इसके ऊपर प्रोवाइड किया है so, सो एज सच है ना ग्लेयर्स आपको इसके ऊपर विजिबल नहीं हो गए एंड गेज यहाँ पे जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया था एंड जब भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे ना तो वहाँ पे हमने वीडियो एडिटिंग हो गया फोटोशॉप हो गया या फिर एक स्क्रीन के ऊपर हम वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं दूसरे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हम लोग YouTube पे कंटेंट वॉच कर रहे हैं वो सारी चीजें ना मतलब इन शॉर्ट मल्टीटास्ककिंग वाला जो पार्ट होता है ना बहुत ही अमेजिंगली इन पर्टिकुलर डिस्प्लेस के ऊपर मैं परफॉर्म कर पा रहा था एंड गाइस जब भी मैं इस पर्टिकुलर सेटअप पे वर्क कर रहा था ना सो यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला पार्ट है ना उसे मैं रोटेट करके मेरे हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूं सो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड का स्क्रीन है ना उसे मैं टू हंड्रेड थर्टी फाइव डिग्रीज तक यहाँ पे रोटेट कर सकता हूं मान के चलिए यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ लैपटॉप के ऊपर एंड पीछे किसी को दिखाना है मतलब पीछे कोई क्लाइंट वाइट बैठा है उसको दिखाना है कि एक्जैक्टली क्या प्रेजेंटेशन है तो बस मुझे स्क्रीन रोटेट करना है एंड यहाँ पे मैं क्लाइंट को शोकेस कर सकता हूँ भाई ये काम चल रहा है अपना प्रोजेक्ट का और दस करोड़ आपको मुझे भेजने हैं तो भाई जल्दी से जल्दी भेज दीजिए क्योंकि काम भाई यू ना फटे हो चुका है ऐसा सेटअप देख के भाई बोलेगा ये लो एडवांस दस करोड़ एंड यहाँ पे जो लेफ्ट वाली स्क्रीन है ना उसे आप सिर्फ 180 डिग्रीज तक ही रोटेट कर सकते हो सो so, एक ही स्क्रीन है जिसे आप पोर्टेबली यू नो पीछे की तरफ भी मोड़ सकते हो बट एक स्क्रीन यहाँ पे 180 एटी डिग्रीज तक ही रहती है बट आगे से जब भी आप काम कर रहे हो ना तो ईजिली आप हर एक स्क्रीन को आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो एंड येस गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैंने मिस आउट की है वैसे यहाँ पे हमारे पास जो दोनों भी पोर्टेबल स्क्रीन है ना ये ट्वेल्व ट्वेल्व इंचेस के हैं एंड यहाँ पे ना बेजल्स वाला पार्ट है ना काफ़ी थिक आपको देखने मिलता है मतलब टॉप एंड बॉटम बेजल भाई बहुत ही ज्यादा थिक है बट जब भी आप पोर्टेबली इसे यूज़ करोगे ना तो एज सच आपको फील नहीं होगा इतना बेजल वाला पार्ट क्योंकि यू नो तीन स्क्रीन का सेटअप है तो यू नो काफ़ी बड़ा सा डिस्प्ले यहाँ पे आपको विजिबल होता है बट क्या आपको बजल्स मैटर करेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताए क्योंकि मुझे मतलब इतना डिफरेंस महसूस नहीं हुआ बेजल्स का बेजल्स तो है मोटा बट ये चीज़ अलग है अलग मुझे अच्छा लगा एंड प्लस गैज इसके साथ है ना आपको डिस्प्ले सेटिंग्स भी देखने मिलते हैं इंडिविजुअल डिस्प्ले के डिस्प्ले सेटिंग्स आप इंडिविजुअली कर सकते हो सो गैस यहाँ पे जो डिस्प्ले सेटिंग का बटन है ना उसे प्रेस करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ब्राइटनेस कलर टेम्परेचर इमेज सेटिंग एच डी आर मोड का भी प्रोविजन प्रोवाइड किया है एंड यहाँ पे आपको सोर्स सिलेक्शन का भी ऑप्शन देखने मिलता है सो so गए आपके हिसाब से यहाँ पे डिस्प्ले के सेटिंग्स आप कर सकते हो एंड लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट भी उन्होंने प्रोवाइड किया है एंड वैसे गएस इन डिस्प्ले का सबसे बड़ी एडवांटेज पता है क्या है यहाँ पे आपको कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई की जरूरत नहीं यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं कनेक्ट किया है लैपटॉप की जो बैटरी है ना वायर टाइप सी यहाँ पे ये कंजूम कर रहा है एंड लगभग ऐसे मान के चलिए मेरा मैकबुक यहाँ पे आठ घंटे कंटिन्यूअसली वर्क करता है ना तो यहाँ पे ये दो स्क्रीन कनेक्ट करने पे ना सिर्फ चार ही घंटे वर्क करेगा तो फिफ्टी परसेंट बैटरी है ना ये दो डिस्प्लेज यहाँ पे कंज्यूम करने वाले आपके लैपटॉप के बट एक चीज अच्छा है कि कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत नहीं है उसीलिए इसका नाम है पोर्टेबल ट्राई स्क्रीन मॉनीटर एंड गाइस फाइनली हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग को लेके सो so यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएंट है ना वो 12 इंच का वेरिएंट है So, यहाँ पे 12 इंच के दो मॉनिटर्स आपको देखने मिलते हैं जिसके प्राइसिंग है लगभग थर्टी फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन रुपीज एंड गाइज इसके साथ आपको रिटेक की तरफ से एक साल की वारंटी भी देखने मिलती है जीएसटी बिल भी आप क्लेम कर सकते हो अगर आप एमेजोन से इसे परचेस कर रहे हो एंड गाइज इसका है ना आपको फोर्टीन इंच का भी मॉडल देखने मिलता है स्क्रीन साइज थोड़ी बड़ी आपको देखने मिलेगी जिसके लिए आपको दो सिर्फ एक्स्ट्रा पे करने जिसकी प्राइसिंग है, है लगभग थर्टी वहाँ पे भी एक साल की वारंटी जीएसटी क्लेम कर सकते हो दोनों की परचेस लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड येस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या ये फॉर मनी है या नहीं सो गाइज पोर्टेबल मोनिटर है ट्वेल्व ट्वेल्व इंचज़ के एंड एन टी कलर का अच्छा है एक्सटर्नल पावर सोर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है पोर्टेबली कहाँ पे भी कैरी कर सकते हो लाइट वेट है एंड गाइज यूनिक किस्म का चीज़ है तो so गाइज़ मेरे हिसाब से 35,000 फाइव ये पर्टिकुलर सेटअप के लिए मैं डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी बोल सकता हूँ मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे यार यू नो एक्सपेंसिव साइड पे है बट गाइज अगर आप अलग से मॉनिटर ले रहे हो तो उसको अलग से पास सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आईपीएस पैनल का भी लोगे तो दस हज़ार का तो पड़ेगा ही मॉनिटर आपको तो भाई वो अलग रखो इजीली कहाँ पर भी कैरी नहीं कर सकते उसे यू नो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है बट ये पर्टिकुलर सेटअप के लिए मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ वैली फॉर मनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जरूर चेकआउट कीजिए एंड फिर भी गाइज जिन लोगों को लग रहा है ना ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सेटअप है तो भाई दिल छोटा मत कीजिए यहाँ पे हमारे पास रिटेक का और एक फिफ्टीन इंच का पोर्टेबल मॉनिटर है एंड गाइज ये बजट प्राइस में मतलब लगभग पंद्रह हज़ार की प्राइस में आपको ये पर्टिकुलर मॉडल मिलेगा तो इसकी वीडियो भाई अलग से आएगी एंड जरूर वॉच कीजिए उस वीडियो को मुझे पता है आप लोग वॉच करोगे क्योंकि वो बजट प्राइस में एंड वॉक बस यही था आज का वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात प्लीज मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद